मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है ऋतिक। तुम वही बीवी हो ना जो अपने साड़ी के मैचिंग कपड़े अपने पति को पहनाती हो, इसीलिए तुमने मुझे पिंक शर्ट दी है। सेम पिंक, मैचिंग मैचिंग। आज ऋतिक को यामिनी की सच्चाई नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी। ऋतिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चल यामिनी, आज बहू के साथ थोड़ा सा सास बहू का ड्रामा खेल ले। हाँ तो बोलो। अरे बेटा वो, हे भगवान, फिर गलत वक्त पे आ गई मैं। नहीं माँ, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। मैं तो जा रहा था। बेटा सुनो, ये बेलपत्र का तोरण वहां उस खिड़की में लगा देना। आज की पूजा में वो नागिन आ गई तो विघ्न हो जाएगा। मेरी सोना बहू, तेरी सास को थोड़ी मस्ती चढ़ी है, अब तुझ पे तेरा नागिन रूप चढ़ेगा। लो बेटा। मैं जानती हूं यामिनी, तू जानबूझ के सता रही है मुझे, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। क्या हुआ शिवन्या? ये सॉरी ऋतिक, गलती से तोरण हाथ से गिर गया। कोई बात नहीं, मैं बेलपत्र का तोरण लगाता हूँ, रिलैक्स। आज तो बच गई ना के, लेकिन आज की पूजा के बाद तेरी ये सुनहरी काया मौत से काली हो जाएगी, देखना। तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मालकिन? पूजा शुरू हो गई, नीचे पंडित जी बुला रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो नीचे चलो, पूजा शुरू होने वाली है। ओके मां, चलो। वाह वाह पंचनेर की राजकुमारी, नागमणि की शक्तियां मिलने से पहले ही नागिन तुम्हारे इशारों पर नाचने लगी है। जय हो। एक बार ऋतिक को तेरी असलियत बता दो, उसके बाद बताऊंगी नागिन जब नाचती है तो कैसा तूफान आता है। अभी तो बस इस पूजा से बचना है मुझे, पर कैसे? हे शिव जी, आज आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शिवन्या, भाभी, शिवन्या।
क्यों ने? अंकल जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। शिवन्या आंखें खोलो। शिवन्या इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। प्लीज टेक केयर ऑफ हर। जी थैंक यू। माँ माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज आपकी पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, पूजा से बड़ी तुम्हारी जिंदगी है, तुम आराम करो, पूजा तो होती रहेगी। खुद चोट खा के पूजा तो रोक ली मैंने, अब मुझे सही मौका देखिए वो नागमणि हासिल करनी है। माँ पूजा कीजिए, मैं यही हूँ शिवन्या के पास। ठीक है बेटा। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। देखो मैं तुम्हें कहीं भी अकेले जाने नहीं दूंगा, बोलो क्या करना है, मैं करूंगा। नहीं कर सकते, मुझे अभी जहाँ जाना है वहाँ तुम नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा, तुम बोल के तो देखो। मुझे वहाँ जाना है। कहाँ? चलो हटो अभी, मुझे जाने दो। अरे जा सकता हूँ, मुझे बताओ कहाँ जाना है, मैं जाऊंगा। वहाँ मुझे वॉशरूम जाना है, चलो हटो। ओ तो ऐसे बोलो ना, चलो। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। दरवाजे तक चलो। काफी बारी हो गई हो। जिस दिन मेरा असली रूप देख लोगे, इतना प्यार नहीं करोगे मुझसे। छोटे मालिक, मालकिन ने आपको नीचे बुलाया पूजा के लिए। तुम चलो मैं आता हूं। काफी हल्की होगी हो। ये मंत्रोच्चार की ध्वनि? पूजा शुरू हो गई, माँ ने मुझे नीचे बुलाया है, कुछ चाहिए तो मेरे फोन पे फोन कर देना। ओके ये पूजा एक इच्छाधारी नागिन के बिना संपन्न नहीं हो सकती। अगर अगर मैं पूजा में नहीं हूँ तो मेरी जगह वहां बैठा कौन है? पूजा अब तक खत्म ही नहीं हुई, ये यामिनी जो है पगला गई है। इसका नाम यामिनी नहीं, इसका नाम पूजा होना चाहिए।
हमनी तो ये पूजा शिवन्या के हाथों करवाने वाली थी। ये दिव्या ये पूजा में दिव्या क्यों बैठी है? पता लगाना होगा। दिव्या तो अपने रूम में सो रही है, फिर दिव्या के रूप में पूजा में कौन बैठी है? दिव्या, दिव्या उठो, दिव्या, दिव्या उठो। निद्राविष, इसे तो किसी ने निद्राविष दिया है, पर ये विष तो केवल एक इच्छाधारी नागिन ही दे सकती। इसका मतलब इसे ये विष देकर इसके ही रूप में कोई इच्छाधारी नागिन पूजा में बैठी है, पर कौन है वो? मुझे शेषा को बुलाना होगा। शेषा, 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 शेषा नहीं आ रही है। मुझे ही पता लगाना होगा कि पूजा में कौन सी इच्छाधारी नागिन बैठी और कैसे। बीन की आवाज, मिल गया रास्ता। उस नागिन का असली चेहरा सबके सामने कैसे लाना है? मुझे किसी भी हाल में ये पूजा रोकनी होगी। ये लीजिए बाबा जी, एक जगह बीन बजानी है, चलिए मेरे साथ। की आवाज पूजा में बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ऋतिक बेटा जाओ ना, जाकर रोक दो उन्हें। ये क्या कर रहे हो? यहाँ बीन क्यों बजा रहे हो? बंद करो ये, यहाँ कोई नागिन नहीं है। नहीं साहब, हमें किसी ने बताया कि इस घर में नागिन रहती है, हम उसे पकड़ने के लिए आए हैं। मैंने कहा ना, यहाँ कोई नागिन नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ये बीन बजाओ और तब तक बजाना जब तक मैं नहीं रोकता। ये लो। ये अचानक सपेरे ने बीन बजाना क्यों बंद कर दिया? मैं भी देखना चाहता हूं आखिर ये नागिन है कौन।
नागिन, अब आओगे तुम अपनी असली रूप में? पूजा में नागिन, मैं नहीं जानती थी कि दिव्या के रूप में यहाँ नागिन है। नहीं नहीं रते, मत जा, वो नागिन तुम्हें डस देगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दे हमारे परिवार को, भाग दे हमारे परिवार को। मैं आज उस नागिन को नहीं छोड़ू। नहीं रते, रते नहीं, एंकी जी, एंकी जी। मैं जानता था ये नागिन वापिस जरूर आएगी। क्यों आया मैं वापिस चंकी? क्यों आया? नहीं बेटा, नागिन छोड़ दो मेरे बेटे को। हाँ चलो, तुझे नहीं छूंगा नागिन। शेषा बहुत गुस्से में लग रही है, कहीं वो रतिक को डस ना ले। पर वो दिव्या बनकर इस पूजा में क्यों बैठे? हे शिव जी, मैं रतिक को कैसे बचा? मेरा नागिन रूप आ रहा है। आज तुम्हें नेकलेस अपने हाथों से पहनाऊंगा। इच्छाधारी नागिन से पूजा करवाना चाहती है, फिर भी तुम उस पूजा में बैठी। जानती हो अगर तुम्हारे हाथों ये पूजा हो जाती
तो नागमणि की सारी शक्तियां यामिनी को मिल जाती, वो सब कुछ तबाह कर देती, शेषा सबको अपने वश में कर लेती। दिव्या को उसके कमरे में देखकर हैरान थी मैं, सोच रही थी कि कौन है वो इच्छाधारी नागिन जो पूजा में बैठी है, जो उस यामिनी का साथ दे रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो नागिन तुम हो, मेरी अपनी बहन, मेरी शेषा। तू शेषा क्यों, क्यों किया ऐसा तुमने, क्यों बैठी उस पूजा में, भूल गए मेरे माँ बाबा के कातिल, हमारा इंतकाम, क्यों आई इस पूजा में शेषा क्यों? हाँ मैं आई थी उस पूजा में, अपने मन से आई, अपनी मर्जी से आई मैं। हाँ मैंने दिव्या का रूप लिया क्योंकि जो तुम चाहती थी वो मैं भी चाहती थी शिवन्या। यामिनी को उस पूजा करने से रोकना, मैं तो यही सोचकर गई थी कि मौका मिलते ही उस पूजा को तहस नहस कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती ना तो यामिनी किसी और इच्छाधारी नागिन को ले आती और ये पूजा हो जाती, इसलिए मैं खुद गई वहां। लेकिन तुमने, तुमने उस सपेरे को बुलाकर सबके सामने मेरा भेद खोल दिया, पर आज मैं भी सबके सामने नहीं आती और नागमणि भी ले जाती। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें दे दी शिवन्या, और तुमने, तुमने मुझे एक विश्वास तक नहीं दिया। या शायद तुम नहीं जाती थी कि मैं नागमणि बचा कर ले जाऊं, है ना शिवन्या? ये कैसी बातें कर रही हो शेषा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोचूंगी? ऐसा ही करना था तो पहले ही मुझे बता देती, मैं भी तुम्हारा साथ देती। मैं तो जानती तक नहीं थी कि वो नागिन तुम हो। शिवन्या, नागमणि की जितनी बड़ी भक्त तुम हो ना, उतनी ही बड़ी भक्त मैं भी हूँ। जो तुम चाहती थी वो मैं भी चाहती थी, जो तुम कर सकती वो मैं भी करती, जो तुम करती वो मैंने किया, तो क्या गलत किया शिवन्या? चलो तुम जीत गई, तुम्हारे कहने पर सपेरे ने बीन बचाई, तुमने पूजा रुकवाई, नागमणि इंसान से प्रसन्न नहीं हुई, यामिनी को नागमणि की शक्तियां नहीं मिली, बात खत्म। शेषा ऐसी बात मत करो मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें सबके सामने आना पड़ा। हाँ आ गई, मैं तो बहुत पहले आ गई सबके सामने, पर तुम सबके सामने आ गई तो ऋतिक तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंकेगा। कभी सोचा है तुमने शिवन्या? उस घड़ी, उस पल से बच के रहना, ऋतिक के सामने तुम्हारे असली रूप से बच के रहना। आज तो तुमने यामिनी को पूजा करने से रोक लिया, आगे देखते हैं कौन रोकता है। मैंने सोच भी कैसे लिया कि शेषा मेरे खिलाफ जाएगी। नागिन, नागिन, वाह क्या एक्टिंग कर लेती हो, आज तक तो मैं यही समझ रही थी कि मैं ही ओवर एक्टिंग करती हूँ, पर ओवर एक्टिंग में तो तू दो कदम मुझसे भी आगे निकल गई, अपनी बहन को चकमा दे दिया। अरे तुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए मेरी काली नागिन, तुझे किसी की नजर ना लगे। आज अगर ऐन वक्त पर शिवन्या नहीं आती तो ये पूजा सफल हो जाती, सफल हो जाती, तुझे मणि की शक्तियाँ मिल जाती और मुझे मेरा प्यार ऋतिक। ऋतिक क्या हुआ, रुक क्यों गई? अपना प्यार अपनी बहन की बाहों में नहीं देख सकी, देख लिया कैसे तेरे प्यार के साथ तेरी बहन रंगरलिया मना रही थी, और तू वहां खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। अब अपनी शक्ल बदल ले, हमने तेरा असली चेहरा देख लिया है, डर नागिन के पार से डर। करके ना बात, क्या मिलेगा उसे, अपना प्यार मिल जाएगा, उसका इंतकाम, पर तुझे क्या मिलेगा? इंतकाम हम दोनों का है। हाँ तो क्या ये प्यार भी तुम दोनों का है? हमने तो यही सुना है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो दो नागिन कैसे रह सकती?
क्या तुम नहीं चाहती ऋतिक तुम्हारा हो? नहीं, वो मेरी बहन का प्यार है। आहा, सुना तो है। तुम्हारी पूरी इंक्वायरी लेकर आई हूं मैं। जिंदगी भर तुमने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया, पर अपने लिए क्या किया? तो क्या जिंदगी भर उसी की गुलामी करते रहोगे? ऋतिक तो पहले से ही उसकी गुलामी कर रहा है, तो क्या इस इंतकाम की कहानी के एंड में उसे उसका प्यार मिल जाएगा? मुझे नागुणी मिल जाएगी और तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ऋतिक को चाहती हो ना? देखो, ना बोलोगी तो खुद से झूठ बोलोगी। झूठ बोले कौवा काटे। कह दो कि तुम ऋतिक से प्यार करती हो, तुम ऋतिक को चाहती हो और ऋतिक को पाना चाहती हो। नहीं, हाँ, तुम ऋतिक से प्यार करती हो और तुम्हें ऋतिक चाहिए। मुझे वो नागमणि चाहिए। मुझे चाहिए कि वो लड़की इस घर से बाहर चली जाए और तुम्हें ऋतिक चाहिए। बस एक बार उस नागमणि की शक्तियां मुझे मिल जाए, फिर देखना, मैं ऋतिक को अपने वश में करके उसे तुम्हारी झोली में डाल दूंगी, तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी। तुम बहू बनकर हमारे साथ इस घर में रहोगी। उस नागिन ने हमारे अपनों पर वार किया है। ऋतिक नहीं जानता कि वो एक नागिन है। जैसे उसे पता चल जाएगा कि वो एक नागिन है तो वो उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन इस काम में तुम मेरी मदद करोगी, करोगी ना? देखो, फिर ऋतिक तुम्हें मिल जाएगा, नागमणि मुझे मिल जाएगी। तुम चाहती हो ना? यही तो चाहती हो तुम? अगर चाहती हो तो चलो मेरे साथ, चलो आकर उस पूजा में बैठ जाओ। नागमणि की शक्तियां मुझे दिलाओ, उन्हीं शक्तियों के जरिए ऋतिक तुम्हारा हो जाएगा। बोलो, ये सौदा तुम्हें मंजूर है? मंजूर है। देख ले, नागिन का प्यार देख ले। एक इंसान से प्यार कर बैठी है नागिन। इस रहेजा परिवार में तुम्हारा स्वागत है। स्वागत बहु रानी। अगर आज पूजा नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी, पर होगी तो जरूर। लेकिन सबसे पहले हमें उस रास्ते के कांटे को हटाना होगा। वो जो तुम्हारे रास्ते को काट रही है, वही मेरे रास्ते को भी काट रही है। शिवन्या, मार दे उसे, फिर ऋतिक तुम्हारा और नागमणि मेरी। एक इच्छाधारी नागिन जब एक इंसान से प्यार करती है तो उसी के लिए जीती है और उसी के लिए मरती है। अब इस प्यार में मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, हर सजा से गुजरूंगी, पर ऋतिक को तो पाऊं। तुझे क्या लगता है, मैं एक इंसान से प्यार करके मर जाने की सजा पाऊंगी? नहीं, वो नागमणि भी मैं पाऊंगी, उसे पाके अमर हो जाऊंगी और अपने प्यार के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। तुझे कभी नहीं मिलेगी नागमणि की शक्तियां। अब मणि भी मेरी और ऋतिक भी मेरा। क्या सोच रही हो? यही कि रास्ते के कांटे को कैसे हटाऊं? कैसे निकालोगी? वो तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी।
लेकिन इतना बता दूं कि अब तुझे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो तेरा रास्ता रोके। पता नहीं कब कैसे वो नागिन ने सुला दिया मुझे, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तुझे कैसे पता चलेगा बेटा, वो नागिन किसी का भी रूप ले सकती है। इनमें से कौन नागिन है कैसे पता चलेगा? कहीं वो नागिन ये पोर्टल के रूप में आ गई तो होश में आ, अमृता होश में। वो नागिन खुलेआम इस घर में घूम रही है, उसकी इतनी हिम्मत? भैया मैंने नेट पे पढ़ा है, वो नागिन अगर किसी से बदला लेने आती है ना तो बिना अपना बदला लिए नहीं जाती है। भैया वो हम सबको मार डालेगी, वो मार डालेगी हम सबको। ऐसे कैसे मार डालेगी? मैं हूँ ना, मैं रोकूंगा उसे। लेकिन भैया कैसे? आज वो दिव्या का रूप लेकर आई है, कल को किसी और का रूप ले लेगी। हमें कैसे पता चलेगा कौन है वो? पता चलेगा जब वो आएगी। भैया ये कहाँ जा रहा है? ये बसम गुरु माने दी है, इससे वो नागिन अंदर नहीं आ पाएगी और ना ही किसी का रूप ले पाएगी। माँ ये आपने क्या किया? अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम उस नागिन को मारेंगे कैसे? उस नागिन को मारेगा तू। हाँ बेटा, तेरे गर्दन में जो निशान है ना, उसी वजह से वो नागिन आज तक तुम्हें नहीं मार पाई। अब ये कौन सा नया ड्रामा करने जा रही है पंचनेर की राजकुमारी? मैं भी यही चाहती हूँ कि वो नागिन मर जाए। आने दो उसे, वो यहाँ नहीं आएगी तो तू उसे कैसे मार पाएगा? उस नागिन से ज्यादा तो तू खतरनाक है पंचनेर की राजकुमारी। जरूर तेरे दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही है। ये बस ये अंगूठी, अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ होते हुए ही सूरी और शैलेश भाई साहब की मौत हुई थी। अब उस नागिन को मारेगा तू, और तेरा हथियार है तेरी गर्दन पे जो निशानी है ना। अगर ऐसी बात है माँ, तो जैसे ही वो नागिन इस घर के अंदर आएगी वो जिंदा वापस नहीं जाएगी। नागिन तो इस घर में जरूर आएगी, मेरी काली नागिन, इसीलिए तो भस्म लगाने से रोका है तुझे। बेटा जाओ शिवन्या के पास जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके माँ। दिव्या जा बेटा, जाकर आराम करो, बहुत डर गई हो तुम, जाओ। हाँ माँ। चलो दिव्या। जाइए नायकी जी। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 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 किसी को नहीं मारा है। पागल हो गया माली? माली आपका भाई, मैं नागिन को ढूंढ रहा था, नागिन आई है इसी कमरे में कहीं। जब ढूंढना था तब तो नहीं ढूंढा, आज उस नागिन ने मेरी पूजा भंग कर दी। और तू पूजा छोड़कर कहां चला गया था? मुझे तो वापस आने नहीं चाहिए था। वो नागिन चौथे इंसान के बारे में जानती है लेकिन आपके बारे में नहीं जानती है। वो मुझे डसना चाहती है। वो तो ऋतिक ने अगर उसका टाइम पे नहीं भगाया होता ना, तो आज तो मेरी जान ले ही लेती। भाई तुम्हें मुझे एक बात बताइए, पूजा में तो शिवन्या बैठने वाली थी ना, तो ये दिव्या क्या कर रही थी? तू पागल हो गया कह रहे माली, शिवन्या के पैर पर चोट लगी है और इस पूजा में कोई इच्छाधारी। चोट? चोट कब लगी, कैसे लगी, कहाँ पे लगी? ओ बुढ़ापे में तो तेरा दिमाग सटिया गया है। नहीं नहीं नहीं, दिमाग नहीं सटका है, लगता मेरे जाने के बाद ये सब होगा। वैसे यामिनी जी इसमें क्या है? इसमें
वो देख, वो कलश देख। वो कलश के अंदर? उसी के अंदर है वो नागमणि। तो एंकी के रूप में शिवन्या आई थी और नागमणि के बारे में जान लिया मुझसे, तो वो जानती है, मैं उसके बारे में जानती हूँ कि नागिन है वो। यामी जी, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, इसमें क्या है? इसमें कलश में क्या होगा? पूजा का जल होगा और क्या बुढ़े? अच्छा, अब ना मैं गुरुमा के पास जाती हूँ, उस नागिन का तोड़ तो निकालना ही होगा। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी तोड़ निकालना है। नहीं नहीं नहीं, अगर हम दोनों जाएंगे ना तो शक हो जाएगा। तुम यही रुको, मैं जाकर आती हूँ। ओके। ये बुढ़ा नहीं जानता कि शिवन्या नागिन है, अभी ना जाने तो ही अच्छा है। ये पंचनेर की राजकुमारी ने कलश को अलमारी के अंदर बंद करके क्यों रखा है? कुछ तो झोल है गुरु। हाँ। अब इस राजकुमारी की हेयर क्लिप ही इसकी बैंड बजाएगी। इसके अंदर जरूर नागमणि है। एंकी, गुरु तू अमर हो गया, अब ये नागमणि तेरे पास, अब वो नागिन और ये पंचनेर की राजकुमारी दोनों तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खोलना होगा इसे। पत्थर, पत्थर, उल्लू बना मुझे। इसी तरह हवा में झूला झूलती रहोगी या नीचे आओगी भी? बोल, ओवर एक्टिंग की दुकान। अगर तेरी बहन ने तुझे मेरे साथ देख लिया ना तो उसे शक हो जाएगा। वैसे नागिनों के तो जल से होते होंगे, कभी भी किसी के भी रूप में आ जाते हो, ना कपड़े बदलने की टेंशन ना मेकअप की। दूसरों के कपड़े में आ गए तो दिवाली, वैसे खुद के कपड़े धोने का टाइम ही नहीं मिलता होगा ना। हम जैसे इंसानों को तो देखो, न जाने कितनी कितनी बातों की टेंशन लेनी पड़ती है हमें। खैर छोड़ो इन बातों को, अब चले, जो अधूरी पूजा करनी है उसे पूरा करें। ए, मैं लग रही हूँ ना तेरी झूलन भाई अमृता? हाँ, अब चलो। मेरे गुफा में नागिन, जा, तेरा शिकार आ गया, जा। ये हमारी दुश्मन नहीं, हमारी दोस्त। नहीं, ये नहीं हो सकता। गुरुमा, मैंने कहा ना, ये हमारी दोस्त। दोस्त? हाँ, दोस्त।
ये तुझे धोखा दे रही है या तू इसे धोखा दे रही है? याद रखना यामिनी, नागिन कभी किसी की दोस्त नहीं हो सकती, लेकिन इसने मेरे गुफा में प्रवेश कैसे किया? इस नागमणि की शक्तियों की वजह से ये मणि इसे अंदर आने से नहीं रोक सकी और मैं इस नागिन को अपना बनाने से नहीं रोक सकी। अब ये अपनी बहन के खिलाफ है, इसका मतलब यही हुआ कि ये हमारे साथ है। इस नागमणि की शक्तियां हासिल करने के लिए अब ये पूजा करेगी और बदले में मैं इसे दूंगी ऋतिक। तू चतुर नार, बड़ी होशियार यामिनी, नागिन को भी अपने वश में कर लिया। हाँ गुरुमा, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, चलिए पूजा शुरू कीजिए। ये कोई साधारण पूजा नहीं कि चौकी बिठाए और पूजा शुरू कर दी। इस पूजा के लिए जो ग्रह नक्षत्र चाहिए नागमणि की शक्ति को जागृत करने के लिए, वो आज नहीं कल शेषनाग पंचमी है, नागिनों की सबसे बड़ी पंचमी, कल करेंगे हम नागमणि प्रसन्न पूजा। तो कल इस नागमणि की सारी शक्तियां मुझे मिल जाएगी, है ना गुरुमा? तो ठीक है, कल आंधी आए या तूफान, कल आप ये पूजा करेंगी, समझी आप? हाँ पूजा तो मैं करूंगी, पर तेरे लिए नहीं यामिनी, मेरे लिए। पूजा के बाद ये नागमणि मैं पाऊंगी। कल पूजा के बाद मैं अमर हो जाऊंगी और तुम दोनों को मार दूंगी। कल के बाद मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं। कल पूजा होते ही ये नागमणि भी मेरी और ऋतिक भी मेरा। कल ये मणि मिलते ही डस लूंगी तुम दोनों को। नागिन हूं मैं। मैं इस नागमणि को छू क्यों नहीं सकी? क्योंकि इस नागमणि का असली हकदार है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के हाथों से इसने मणि ली थी, इसलिए जब तक पूजा खत्म नहीं हो जाए इस मणि का हकदार सिर्फ ये है यामिनी। और वैसे भी इच्छाधारी नाग नागिन मणि के रखवाले होते हैं, हकदार नहीं। पर कल पूजा होते ही सारे पासे उल्टे पड़ जाएंगे बुढ़िया। कल पूजा में कोई बाधा ना आए इसलिए मुझे शिवन्या को रास्ते से हटाना होगा। मैं हूं ना, मैं बताती हूं क्या करना है। ये दूध मेरी बहन की जिंदगी के लिए आखिरी सांस बन जाएगा। वो कैसे? अपनी अंगूठी निकालो।
मैं क्या लिखवा के आई हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ? नागिन मेरे सामने खड़ी है, मैं ये अंगूठी नहीं निकालूंगी। अंगूठियां तो उनके हाथों में भी थी जिनको हमने मार डाला। अगर ये अंगूठी निकालेगी तो तेरे गले में भी तो एक है ना। शिवन्या को रास्ते से हटाना है ना। अगर साथी बने हैं तो विश्वास और साथ दोनों देना होगा। अरे मुझे नहीं, इसका पत्थर निकाल के दूध में डाल। एक वो वक्त था जब अपनी जान पे खेलकर तुमने अपनी बहन की जान बचाई थी और आज उसी की दुश्मन बन गई हो तुम। अब ऋतिक को पाने के लिए तुम अपनी बहन की जान लोगी? शिवन्या की जान ऋतिक में बसती है, ऋतिक के बाद वो जी नहीं सकेगी। उससे जुदा होके वो मर जाए, इससे अच्छा है कि ये दूध पीकर ही मर जाए। बेचारी शिवन्या नहीं जानती कि ऋतिक मेरा प्यार है। उसके इंतकाम के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उस जिंदगी में सिर्फ ऋतिक होगा, मैं कहीं नहीं। तो क्यों ना मैं भी वो पालूं जो मुझे चाहिए। कितना बुरा लग रहा होगा तुम्हें, तुम्हारी बहन के लिए उसका बदला और उसका ऋतिक, ये दोनों ही इसकी जिंदगी है। उसका बदला उसका मकसद है और ऋतिक उसके जीने की वजह। शिवन्या को अपना इंतकाम भी चाहिए और ऋतिक भी। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोच सकती है तो मैं क्यों नहीं। ये दूध इंसान और नागिन दोनों के लिए जहर है। मौत मौत। आज तो वो नागिन दिव्या को मार ही देती। उसने सिर्फ दिव्या को बेहोश किया था, चाहती तो मार भी। पता नहीं आज किसे मारने आई थी इस घर में, पता नहीं उसके क्या इरादे हैं। आज तो खुले आम आ गई थी। कम से कम ये नागिन सामने से तो वार करती है, पर वो दूसरी नागिन वो बहुत खतरनाक है, जिसे आज तक मैंने देखा नहीं। नफरत करता हूँ मैं उससे। वो दूसरी नागिन मैं हूँ। जिस दिन तुम ये जान जाओगे क्या करोगे ऋतिक? छोड़ो उसे। तुम्हारी चोट कैसी है? अब ठीक है, मैं फ्रेश हो गया था। मैं निर्दोषों को मारने नहीं आई हूँ ऋतिक, मैं तो यहाँ सिर्फ अपने माँ बाबा के कातिलों से इंतकाम लेने आई हूँ। ईश्वर ने बेटा, माँ मैं और ऋतिक अभी आपके ही बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, नागिन ने आपका जीना हराम करके रखा है ना? बताया अभी ऋतिक ने नीचे क्या क्या हुआ। तुम नागिन के बारे में सोच रही थी लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। आज तुम्हारा व्रत है ना, लो तुम्हारे लिए दूध लाई हूं। पी लो। क्या हुआ, पी लो ना। मां नहीं, तो इसमें कोई बहुत ही जहरीला जहर है, ये मुझे मारने आई है। अभी नहीं मां, मैं बाद में पी लूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? मेरा व्रत टूटने में अभी थोड़ा वक्त है। ठीक है, लेकिन बाद में याद से पी लेना। जी मां। इतनी आसानी से नहीं मरूंगी यामिनी जी। यामिनी जी, नागिन हूं मैं। नागिन हूं मैं। तुम्हें पता है बचपन में माँ दूध डाक के पिलाती थी और अब याद से उन्हें पता है कि मैं सोने से पहले दूध पीता हूँ। ये दूध मेरे लिए, मेरा व्रत है ना आज। अरे तो दोनों साथ में पीते हैं ना? वो क्या है ना, एक साथ खाने पीने से है ना प्यार बढ़ जाता है। लाओ मुझे दो। ऋतिक नहीं, ऋतिक
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? ऋतिक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे तुमसे प्यार हो गया। एक बार फिर से कहो ना प्लीज यार। मुझे तुमसे प्यार हो गया। प्यार हो गया। मौत की कहानी प्रेम कहानी बन गई यहाँ तो। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं मिलने दूंगी। ऋतिक रहेजा, शिवन्या रहेजा को तुमसे प्यार हो गया, करेक्ट? एक बार फिर से कह दो ना। मुझे प्यार हो गया ऋतिक। क्या ऋतिक? किससे? किससे? तुमसे। तुम एक बार फिर कहो ना। तो आ जाने दो, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। उन्हों पर दूध गिर गया। सॉरी, गलती से। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ग्लास लेकर आता हूँ। अरे जाने से पहले मेरा प्यार तो देख लो। मैं तुम्हारे प्यार से प्यार करूंगा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक तुम नहीं चाहते। एक बार फिर से कह दो ना। अब क्या मुझे पूरे दिन बुलवाओगे? पूरे दिन नहीं, पूरी जिंदगी। अब जाओ। कहाँ? दूध लेने जाओ। आज तो मैंने मुझे और ऋतिक को बचा लिया, पर यामिनी जी हम पर रोज नए वार करेगी और मुझे रोज उनसे बचना होगा। आज तो तुम बच गई शिवन्या, पर कब तक? अब मैं तुम्हें ऋतिक के साथ नहीं देख सकती। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, तुम्हें मौत देने का। हाँ शेषा, मैं खुद को रोक नहीं पाई। कह दी अपने दिल की बात ऋतिक से। शायद शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या शिवन्या, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या मिलेगा तुम्हें ये करके? तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। अब कैसे रोकोगे ऋतिक को अपने पास आने से, पति का हक जताने से? शेषा, अब मैं उसे नहीं रोकूंगी। शिवन्या, तुम जानती हो ना कि एक नागिन और एक इंसान का जोड़ा नहीं जुड़ सकता। जानती हूँ, इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं ऋतिक को यामिनी की सारी सच्चाई बता दूंगी। यामिनी और अंकुश रहेजा से अपने इंतकाम लेने के बाद मैं अपना इच्छाधारी रूप त्याग दूंगी और ऋतिक के साथ एक इंसानी जिंदगी जीऊंगी। शेषा, अब मैं उसके बिना नहीं जी सकती। एक इंसान के लिए अपना नागिन रूप त्याग दोगी तुम? हाँ, मेरे इंतकाम के बाद मेरी जिंदगी ऋतिक से शुरू होगी और ऋतिक पे खत्म। मेरे जीने की सिर्फ दो वजह होगी, एक ऋतिक, दूसरी तुम। शेषा, तुमने साये की तरह मेरा साथ दिया है, मेरे लिए मेरा इंतकाम लिया है। जब तक तुम मेरे साथ हो,
मुझे कोई डर नहीं, किसी की परवाह नहीं। अब मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं शिवन्या, मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं उन दोनों को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज हम दोनों नाकाम हो गए शिवन्या को मारने में। एक नागिन होकर इतनी जल्दी हार मान गई तू? तो तूने कौन सा दूध पिला दिया और उससे जंग जीत ली? वो शिवन्या है, तुझसे 10 कदम आगे। अरे तू शेषा है, अपनी बहन से 20 कदम आगे है। पहली बार देख रही हूँ नागिन में भी कभी सौतन कभी सहेली। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर तू चिंता मत कर, अब तू यही चाहती है ना कि ऋतिक और शिवन्या ना मिले? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलने दूंगी मैं। अरे अगर वो नागिन है तो मैं भी नागिन की सास हूँ। अब क्लाइमैक्स आएगा इस सास बहू की पिक्चर का। मजा आ जाएगा। क्या करेगी तू? मैं बेटा ऋतिक कहाँ है? माँ वो जॉगिंग के लिए गए हैं। आप सब शुरू कीजिए, उन्हें आने में वक्त लगेगा। ठीक है, जरा वो अचार तो देना। चल शुरू हो जा मेरी सोना बहू की सौतन काली नागिन। लेकर आए थे बेटा, गलती से गिर गया। मैं ऐसी 10 साड़ियां लाकर दूंगी तुम्हें। मैं गरीब घर से हूँ, इसीलिए आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम बहू? मैंने कहा ना, गलती से गिर गया ये अच्छा। आपसे तो जो होता है गलती से ही होता है। गलती से ही बार बार हमारे कमरे में आ जाती है। गलती से ही किसी ना किसी बहाने ऋतिक को मुझसे दूर भेजती रहती है। आपको तो बस बहाना चाहिए मेरे और ऋतिक के बीच में आने का। हे भगवान, एक साड़ी की बात तुम कहां से कहां ले गई? अब ये रोना धोना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इस घर में सिर्फ आपकी ही चलती है। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए इज्जत से बोल रही हूँ। अपने हद में रहिए। मेरे और ऋतिक के बीच में आना बंद कर दीजिए। प्यार से समझा रही हूँ, वरना समझाना आता है मुझे। भाभी, माँ ने कहा ना गलती से हो गया, फिर भी आप देखिए माँ कितनी उदास हो गई है। बहू, हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बेटा। दूसरों के हाथ तोड़ने वाली हाथ जोड़ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा है किसी को पता नहीं चला कि मैं शिवन्या नहीं शेषा हूँ। ये भाभी को अचानक क्या हो गया? पहले तो कभी नहीं देखा ऐसे। बेटा, शायद शिवन्या गुस्से में है। वैसे बहुत अच्छी लड़की है वो। और प्लीज ऋतिक को कुछ मत बताना, प्लीज। क्या मत बताना माँ ऋतिक को? कुछ नहीं बेटा, तुम नाश्ता करो। आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। क्या कुछ नहीं है माँ? इतनी बड़ी बात होगी, भैया को पता चलना चाहिए। अंगद बता क्या हुआ? हाँ भैया मैं बताता हूँ। भाभी को लगता है कि माँ आप दोनों के बीच में आ रही है। आज गलती से माँ से भाभी की साड़ी पे अचार गिर गया। उसके लिए माँ ने कितनी बार सॉरी बोला, लेकिन भाभी ने न जाने क्या क्या सुना दिया उन्हें। दिस इज नॉट डन भैया। ऋतिक नहीं, ऋतिक रुक जा। मेरी बहू को कुछ मत कहना, बेचारी बहुत भोली है वो।
ऋतिक, तुम बताओ क्या हुआ? मैंने तो कहा था ना तुमसे कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे, लेकिन ये प्यार तुम्हें वो हक नहीं देता कि तुम मेरे घर वालों के प्यार पर उंगली उठाओ। जन्म का रिश्ता है मेरा उनके साथ, और जिनसे तुम आज इस तरह से पेश आई हो ना, वो मेरी माँ है। मैंने तो कुछ, तुमने मेरी माँ से इस तरह से बात कैसे की? उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, उनसे बढ़कर मेरे लिए और कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं। चलो मेरे साथ। पर ऋतिक, चलो। मैंने माफी मांगो माँ से। नहीं बेटा नहीं, मैंने शिवन्या को अपनी बहू नहीं बेटी माना है, और बेटी से तो गलतियां हो ही जाती है, जाने दे। देखा, इतना होने के बाद भी इनका प्यार देखा? मैंने तो देखा ऋतिक, तुमने नहीं देखा। आज तुम्हें बता ही देती हूँ यामिनी का असली चेहरा। भाभी, आज आपको देखकर, आपको सुनकर ऐसा लगा जैसे आप नहीं कोई और। ये कचारी तो गिरा था, उसके लिए इतनी बड़ी बात कह दी आपने। इसका मतलब मेरे रूप में कोई और आई थी, कहीं शीशा तो नहीं? गुस्से में उसी ने कुछ किया है शायद। शिवन्या, माफी मांगो। ये सही वक्त नहीं है ऋतिक को यामिनी की सच्चाई बताने का, वरना ऋतिक का साथ न छूट जाए। मुझे हर पल ऋतिक के साथ रहना है, दुश्मनों से उसे बचाना है। माँ, माँ मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखा, ये होती है माँ, बच्चों की हर गलती माफ कर देती है। और जिस दिन माँ की सच्चाई जान जाओगे, हैरान रह जाओगे ऋतिक। शीशा यहाँ क्यों आई थी और ऐसा क्यों किया उसने? शीशा ने ऐसा क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नहीं चाहती कि मैं अपना इच्छाधारी रूप छोड़ दूं? शायद इसीलिए वो मुझे ऋतिक से दूर करने की कोशिश कर रही है। बहुत प्यार करती है ना मुझसे, मुझे उससे अभी इसी वक्त बात करनी होगी। शीशा, सॉरी बहू, बहुत बुरा लगा। ऋतिक ने सबके सामने तुमसे माफी मंगवाई। तेरे नकली आंसू तेरा असली चेहरा नहीं बदल सकते यामिनी। माँ, जैसे बादल में चांद नहीं छुपता, वैसे पल्लों से रूप नहीं छुपता मेरी बहू। तो नागिन है तो है, आजा अपने असली रूप में, आजा आजा नागिन, आ नागिन। तुझे क्या लगता है, तू इस घर में नाग नागिन का खेल खेलेगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? जो खेल हमने बरसों पहले खेलना छोड़ दिया था, वो तू आजकल खेल रही है। और तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे जीत भी जाएगी? सुन, इस घर में सारे पासे भी मेरे और छाले भी मेरे। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूं, लेकिन नहीं। एक सास अपनी बहू को अपने इशारे पर नहीं नचवाएगी तो इस खेल का मजा कैसे आएगा? Da 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 da
रूप मेरे सामने, तो आज आपका नकली खेल खत्म हो ही गया ना सासुमा। अब देखना, अब देखना ऋतिक के सामने आपका असली चेहरा कैसे लगती हूँ मैं आपके फरेबी चेहरे से पर्दा कैसे हटाती हूँ। जा 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 जाकर बता दे ऋतिक को कि मैंने तेरे माँ बाप को मारा। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मुझे पता होता कि बरसों बाद तू मेरे बेटे ऋतिक की बीवी बनेगी तो माँ कसम मैं तेरे माँ बाप को कभी नहीं मारती, हाँ जिंदा रखती है ना। जा जाकर बता देना ऋतिक को तू कौन है मैं कौन हूँ। जा जाकर बता दे कि उसका भाई वीरेन जो कोमा में पड़ा है वो तेरी वजह से पड़ा है, सूरी और शैलेश को तूने ही मारा है। जा जाकर बता दे, फिर मैं भी तो देखूं कि वो तेरी आरती उतारता है कि तेरी बैंड बजाता है। देखा ना तूने नीचे क्या हुआ था। ऋतिक मेरा बेटा ऋतिक मुझसे कितना प्यार करता है, तेरे से माफी भी मंगवाई थी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सॉरी मेरी नागिन। देखोगी पिक्चर, जब ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो मेरा बेटा किसका साथ देगा। तुझे क्या लगता है कि इस पूरी दुनिया में एक तू ही इच्छाधारी नागिन है, और अगर तू ये पूजा नहीं करेगी तो ये पूजा नहीं होगी। मेरी इच्छाओं को धारने वाली एक और इच्छाधारी नागिन है मेरे पास। कल जो पूजा नहीं हुई थी वो आज होगी, जरूर होगी। और आज इस पूजा के बाद मैं अमर हो जाऊंगी, क्योंकि वो नागमणि मेरे पास है। नागमणि रोक सकती है, सकती है तो रोक लीजिए पूजा। ये कौन सी इच्छाधारी नागिन है जिससे ये हमें ये पूजा करवाएगी। हम नाग नागिन मणि के रखवाले हैं। नहीं, मैं ये पूजा नहीं होने दूंगी, पूजा को रोक कर रहूंगी मैं। यामिनी, मेरी गुफा में नागमणि लेके तो आ गई पर इसको लेके नहीं जा पाएगी। पूजा के बाद ये नागमणि मेरी हो जाएगी। पूजा होते ही नागमणि ये नागिन ले जाएगी, ऋतिक को अपने वश में करके अपनी सत्ता पाएगी। यामिनी आ गई होगी, पूजा शुरू हो गई होगी। मुझे किसी भी हाल में इस पूजा को रोकना है। गुरुमा, आप जल्दी से ये पूजा खत्म कीजिए ना। एक भी मंत्र अधूरा रह गया तो पूजा पूरी नहीं होगी। वो अगर शिवन्या यहाँ पहुंच गई तो ये पूजा होने नहीं देगी। शिवन्या ये पूजा रोकने जरूर आएगी। नहीं आएगी। कोई नाग नागिन मेरे मर्जी के बिना मेरे गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो डर किस बात का? हाँ,
ये ले काट। अरे मेरा गला नहीं, अपना हाथ काट और अपना रक्त का अभिषेक कर इस हवन में। उठ नागिन, तीन परिक्रमा कर इस हवन कुंड की, तब ये पूजा संपन्न होगी। पूजा संपन्न होने को है, जाऊं भी तो अंदर कैसे जाऊं? नागों के नाग शेषनाग, आज आपकी सबसे बड़ी पंचमी है। अगर हम मणि के रखवाले हैं तो आप साक्षात मणि वाले हैं। मणि तो शिव जी के तीसरी आंख में विराजमान होती है, तो आप स्वयं शिव जी के वरदान हैं। आज आपको आना है, मुझे रास्ता दिखाना है, मणि की रक्षा करनी है। जय शेषनाग। आइए भगवान, आपके भक्त आपको बुला रहे हैं, आइए रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। आज हमारे इष्ट देव की शिव जी की मणि खतरे में है, गलत हाथों में है। आज आप ही उस मणि को बचा सकते हैं प्रभु, बचाइए, रक्षा कीजिए, रास्ता दिखाइए। ये भाज कोई संकेत तो नहीं दे रहा है? बाहर कोई डर कोई खतरा तो नहीं है? ये भाज ही हमें बता सकता है
इसलिए इसे अंदर बुलाना पड़ेगा। ए, आजा। हमारा इंतकाम, शिवजी के प्रति हमारा ईमान, भूल गई हो कि हम रागमणी के रखवाले हैं, कि मालिक नहीं। क्या हो, क्या क्या है तुम्हें शेषा? भूल गई हो? ये हमारी दुश्मन है, दुश्मन। हाँ, दुश्मन है, पर मेरी नहीं, तेरी, तेरी। इंतकाम है, पर मेरा नहीं, तेरा। हर कोई तेरा शिकार है, और हर बार उनका शिकार मैं क्यों करूं? तेरी हर चाहत मैं क्यों पूरी करूं? क्या मेरी अपनी कोई चाहत नहीं? ये क्या कह रही हो तुम शेषा? हम बहने हैं। थी, अब नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तू थी शिवन्या। तूने जो चाहा वो मैंने किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरी माँ मेरी माँ जैसी थी। और तूने तूने मेरे लिए क्या किया? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जी किस लिए रही हूँ। सिर्फ तेरे लिए जीती रही। और तूने तूने मेरे लिए क्या किया? लेकिन अब मेरी जिंदगी में वो इंसान आ गया है जिसे मैं प्यार करती हूँ। नहीं करना चाहती थी मैं उसे प्यार, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। यही बताने आई थी मैं तेरे पास, लेकिन तू, तुझे अपने आप से ही फुर्सत नहीं। बहनें ऐसी नहीं होती है शिवान्या। मैंने माना तुझे अपनी बहन, पर तूने तूने कभी मुझे अपनी बहन नहीं माना। सिर्फ अपने इंतकाम का साथी, अपना सहारा माना तूने मुझे। अगर तू मुझे अपनी बहन मानती है तो क्या तू मुझे वो देगी जो मुझे चाहिए? पहली बार जो मुझे प्यारा लगने लगा है। तुम किसकी बात कर रही हो शेषा? मेरे रतिक। हाँ शिवन्या, मुझे रतिक चाहिए। तेरा पति प्यार हो गया मुझे उससे। शेषा, ऋतिक मेरे पति हैं, जानती हो तुम, जानती हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जानती हो ना? अरे तू क्या जानती है प्यार क्या होता है? तूने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, और जब मैं उससे प्यार कर रही हूँ तो अपना हक जता रही है तू? प्यार मैंने किया है तेरे इंतकाम से, तेरे मकसद से प्यार किया है मैंने। जब तूने बुलाया तब आए, तूने जो कहा वो किया, और मुझे क्या मिला? तुम जानती हो, जब वो मेरे करीब आता है तो कैसा लगता है? जब वो मुझे छूता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जब वो मेरी फिक्र करता है तो कैसा लगता है? जैसे कोई अपना अपना दिल से प्यार कर रहा हो। वो तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करता है शेषा। तुम शिवन्या बन के उसके सामने गई थी, वो मेरे चेहरे से प्यार करता है। वो तो जानता ही नहीं कि तुम शेषा हो। तो क्या वो ये जानता है कि तुम एक नागिन हो? क्या वो ये जानता है कि तुम उसके परिवार वालों को मारना चाहती हो? यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो मार भी चुकी हो। और जिस दिन वो ये जान जाएगा ना, नफरत करने लगेगा वो तुमसे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे, इसलिए मैं किसी को नहीं मारूंगी शिवन्या, और ना ही तुम्हें उसके परिवार को मारने दूंगी। रोक दो ये इंतकाम शिवन्या, तो मैं तुम्हें रोक दूंगी। शीशा, मैं जिस परिवार से इंतकाम ले रही हूँ वो उसका अपना परिवार नहीं है। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वो उसी परिवार को अपना मानता है, और अगर वो मानता है तो मैं भी मानती हूँ। नहीं लूंगी किसी की जान, मुझे प्यारा है वो इंसान। अब जाके दो प्यार करने वाले मिले। तू तो बस एक जरिया थी हमें मिलाने का।
अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो चाहिए वो मुझे यामिनी देगी। मैं उसे नागमणि की शक्तियां दूंगी और उसके बदले के बदले वो मुझे मेरा प्यार प्यार मेरा मेरा लेकिन उससे पहले मुझे तुझे रास्ते से हटाना होगा। शीशा, तुम मुझे नहीं मार सकती। शीशा बेटी, ये तूने क्या किया? शिवन्या, शिवन्या आंखें खोलो। शिवन्या, शिवन्या। मासी, मुझे तो बस ऐसे गुस्सा आ गया। मासी, शिवन्या ठीक हो जाएगी ना? शिवन्या उठो बेटा, ये पी लो। ये क्या है माँ? शीशा के शरीर का जहर लेकर इसमें थोड़ी जड़ी बूटियां मिला दी हैं। इसे पीने के बाद शीशा कभी तुझे डसेगी तो तुझे कुछ नहीं होगा। शायद माँ को पहले से ही आभास हो गया था कि तुम एक दिन ये भी कर सकती हो, इसीलिए माँ ने मुझे तुमसे कहीं ज्यादा शक्तियां दी। मैं चाहती थी आज तुम में से एक का मरना तो तय है। हे भगवान, अगर शीशा मर गई तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। गुरुमा, कुछ कीजिए ना। हाँ, नागिन, फंस गई ना नागिन, फंस गई। तो देखती जा। ये देखो, देख 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 नागिन, we'll be right back.
जहरीले जाल से निकल नहीं पाएगी तो नागिन। गुरुमा, इससे हमारी जान को खतरा है, इसे खत्म कर दीजिए। नहीं आमी, नहीं, आज शेष नाग पंचमी है, आज मैं किसी नाग नागिन को मार नहीं सकती, लेकिन हाँ, आज रात 12 बजे के बाद, हाँ 12 बजे के बाद मैं इसे मार दूंगी इसे। क्या कर रही हो प्यारी बहना? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर ही रहो। शेषा, तुम गलत राह पर चल पड़ी हो, मेरी बात सुनो शेषा। शेषा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं जाना उसके पास? मेरे बेटे ऋतिक के पास। आज की रात तुम्हारी है। हाँ, आज की रात मेरी है। आज की रात ऋतिक मेरा हो जाएगा। आज रात मैं ऋतिक के साथ वो सुहागरात मनाऊंगी जो तुम कभी नहीं मना पाए। आज ऋतिक मेरा हो जाएगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.